नमस्कार, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले बीएनपी नेटवर्क के बारे में। यदि आप बीएनपी नेटवर्क की माइनिंग करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों बीएनपी नेटवर्क में केवाईसी स्टार्ट है। आप लोग केवाईसी को कर लिए होंगे। यदि आप अभी तक केवाईसी को नहीं किए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको लाइव केवाईसी करके दिखाने वाले हैं। यदि आप एक बार पूरी तरीके से वॉच कर लेते हो तो केवाईसी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और केवाईसी की बात करें दोस्तों, जो आपका आईडी लगना है उसमें आप पैन कार्ड दे सकते हो दोस्तों, आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो दोस्तों, डीएल दे सकते हो, जो भी आईडी आपके पास हो दोस्तों, ठीक हो यानी सेफ हो, कोई किसी पीटी न हो दोस्तों, उसका प्रयोग कर सकते हो और केवाईसी को कर सकते हो दोस्तों। बात करें इनका, अगर मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड जो है, तो ये दोस्तों आपको जनवरी 2024 में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। इनका जो अपडेट आया उसमें साफ साफ बता दिया गया दोस्तों इनका वायलेट जो है वो भी 2024 के जनवरी में आना, यानी फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा। इनके माइनेट की बात करें दोस्तों, तो सेकेंड क्वार्टर में आपको माइनेट लाइव हो जाएगा, आपको दिखेगा लाइव जो है। तो ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल भी ना चुके, इसमें अच्छे से माइनिंग करें, ज्यादा से ज्यादा रिफंड लगाएं, जैसे भी हो सके क्वाइन ज्यादा ज्यादा कलेक्ट करें। जिसके पास ज्यादा क्वाइन होता है उसी को ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग जो माइनिंग के क्षेत्र में आए हैं, माइनिंग करना कोई इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है, तो अच्छे से माइनिंग करें, समय से माइनिंग करें, ज्यादा ज्यादा रिफंड लगाएं, जैसे भी हो सके क्वाइन को कलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने फोन की स्क्रीन पर आपको ले चलता हूं, वहीं पर जो इनके द्वारा अपडेट दिया गया है, सबसे पहले उसको दिखा देता हूं, उसके बाद में लाइव केवाईसी करके दिखाता हूं कि आपको किस प्रकार से केवाईसी करनी है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अपने फोन की स्क्रीन पर आ गया हूं और यहां पर बीएनपी नेटवर्क का जो माइनिंग ऐप है उसको ओपन किया हूं। अगर दोस्तों माइनिंग रेट की बात करें तो 2.5 क्वाइन पर आवर के हिसाब से मिल रहा है दोस्तों। हालविंग के बाद में क्वाइन ये भी कम कर देंगे पीएक्सआर नेटवर्क के तरीके, क्योंकि दोस्तों पीएक्सआर नेटवर्क में आप लोग देखें तो 2.5 क्वाइन पर आवर मिल रहा था, लेकिन हालविंग की गई, हालविंग के बाद में दोस्तों 0.9 क्वाइन पर आवर मिला, जो कि बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन कलेक्ट कर लीजिए, अभी समय है दोस्तों। और आपको केवाईसी करने के लिए दोस्तों यहाँ मोर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप मोर पर क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा दोस्तों, केवाईसी का ऑप्शन आपको दिखेगा, कुछ इसी प्रकार से जो है पीएक्सआर में भी दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इनका व्हाइट पेपर है, आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर रोड मैप है दोस्तों, रोड मैप इनका देख सकते हो। जैसा कि मैंने बता दिया है पहले भी वीडियो में, भाई इनका जो वैलेट है वो 2024 के जनवरी में आ रहा है। इनका दोस्तों वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये 2024 के जनवरी में आ जाएंगे। सेकंड क्वार्टर में इनकी जो लिस्टिंग होनी है दोस्तों, माइनेट लाइव होगा, उसके बारे में मैंने कंप्लीट बता ही दिया है। तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा आपको। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, ये डायरेक्ट आपको गैलरी में ले जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर बताया गया है यू कैन चॉइस CNIC फोटो, पासपोर्ट फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस आर एनी आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पर्पोज। दोस्तों आपके पास यदि पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, या फिर DL है दोस्तों यानी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप केवाईसी कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आप साफ सुथरी आईडी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं लाइव केवाईसी करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपने गैलरी से कोई आइडेंटिटी कार्ड यानी आईडी कार्ड जो है ला करके यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं अपने आधार कार्ड को यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद में कुछ देख लीजिएगा, प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया इस प्रकार से। अब हमें वेट करना है, वेट करने के बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है हमारा आधार कार्ड सबमिट हो गया है। अब हमें वेट करना है दोस्तों, यानी यहाँ पर एक मैसेज भी आपको आया गया होगा दोस्तों कि सेंड का, ठीक है ना। तो ये सेंड कर दिए हैं, यानी इनके पास जो है चला गया है, सिस्टम जो है भेज दिया है। अब हमें वेट करना है कन्फर्म होने तक। यदि नहीं कन्फर्म होता है तो हम फिर से ट्राई कर लेंगे, लेकिन कुछ यही प्रोसेस है करने का। इसमें सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने बता दिया है दोस्तों, आपको यहाँ टच करना है और यहाँ से गैलरी में जाएंगे, वहाँ से आप एक जो है आईडी का फ्रंट साइड यहाँ ला करके अपलोड कर देंगे, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे, जिसको मैंने कर दिया है दोस्तों, आप लोग भी कर लीजिएगा। कुछ इतना ही प्रोसेस है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।